नमस्ते। बतिया दोरावत के आज के आख्यान में हम दोपहर के सारंग के प्रकारों की तस्वीरें खींचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सबसे आम, सामान्य, साधारण सारंग प्रकार वृंदावनी सारंग की बात करेंगे। नि सा रे म प नि म प प म रे नि सा नि प म प नि नि सा नि सा रे रे म प नि म प रे म प नि प म रे रे म प नि सा नि प म रे नि नि सा म रे नि सा। सभी को पता है कि सारंग राग दोपहर में गाया जाता है और इसकी व्याप्ति मध्य सप्तक के मध्य में, यानी कि मध्यम और पंचम, इन सुरों के इर्द गिर्द सामान्य रूप से ज़्यादा उभरती है। हालांकि वृंदावनी सारंग दोपहर का, मध्यान्ह का राग है, परंतु दिन के मध्यकाल की प्रखर धूप का अनुभव इस राग में नहीं मिलता। शायद ये मध्यान्ह जाड़े की ऋतु की है, जब दोपहर की धूप कुछ वांछनीय महसूस होती है। ये धूप नर्म, गुनगुनी है, प्रखर या दाहक नहीं है। दोपहर के भरपेट भोजन के बाद पान चबाता हुआ मानो ये राग गांव की बीच वाली गली के बरगद या पीपल के वृक्ष की छांव में पांव पसार कर बैठ गया है। आते जाते पथिक, जाने पहचाने पास पड़ोसियों की खबर लेने वाला, उनके सुख दुख में शामिल होने वाला खुश मिजाज, अबोध, मासूम इंसान, इसका स्वभाव आग्रह भरा नहीं, आक्रामक नहीं, सबसे मिलजुल कर हंसी खुशी समय गुजारने वाला ये अपने पड़ोस का आम आदमी है। सगरी उमरिया मोरी बीत जात सगरी उमरिया मोरी बीत जात पिया बिन सगरी उमरिया मोरी बीत जात पिया बिन सगरी कर के बहाना सौतन घर जाना कर के बहाना सौतन घर जाना प्रेम पिया तुम मोसो
की नी गात पिया बिन सगरी उमरी अमोरी बीती जात सगरी जहाँ वृंदावनी सारंग की धूप नर्म गुनगुनी और वांछनीय प्रतीत होती है, वहीं पर शुद्ध सारंग में दोपहर की कड़ी धूप का अनुभव मिलता है। शायद ये राग शुद्ध सारंग गर्मी के महीनों की बैसाख की झुलसाने वाली धूप का एहसास दिलाता है। शुष्क रेगिस्तान वाली दोपहर में गरम धूल भरी हवा की लू चलने से बार बार प्यास बुझाने के लिए पानी पी पी कर जब भूख मर जाए, खाना अच्छा न लगे, ऐसी शरीर और मन की तलब, छटपटाहट और कभी न बुझने वाली प्यास। शुद्ध सारंग का तीव्र मध्यम एक ऐसा स्वर है जो इस मध्य दोपहर की धूप की प्रखरता एवं तीव्रता को दर्शाता है। इसके दाहिने बाएं दोनों तरफ अगर हम जाते हैं तो शुद्ध मध्यम या पंचम दोनों को लगाने से छांव की अनुभूति होती है। दोनों मध्यमों की योजना से शुष्क झुलसाती धूप और उसकी वजह से होने वाली छटपटाहट, तड़पन, तरस का अनुभव मिलता है, और वहीं शुद्ध मध्यम और पंचम इन स्वरों पर मानो विश्रांति स्थान मिल जाता है। इस राग में धैवत स्वर का प्रयोग है, जैसे धूप में झुलसने वाले को ठंडा पानी पीने को मिल गया हो। ये सारे मापा रे रे आइए अब चलते हैं मध्मांध सारंग की ओर। ये भी तो मध्य दोपहर का अनुभव दिलाने वाला राग है, परंतु ये दोपहर ना तो जाड़े की है और ना ही ग्रीष्मकालीन। गर्मी के मौसम के आखिर में जब आने वाली बारिश की वजह से हवा में उमस भर जाती है, तब की दोपहर। हवा बिल्कुल नहीं चल रही, पेड़ के पत्ते तक नहीं हिल रहे, पसीने की वजह से जैसे सांस तक थम रही हो, ऐसी बेबसी। इस राग के स्वर हैं मेघ राग के स्वरों से बिल्कुल मेल रखने वाले, इसीलिए इस राग की भाव स्थिति भी मेघ राग की भाव स्थिति के निकटवर्ती। बारिश से धसाधस भरे मेघ घिर आए हों पर पानी बरस न रहो, ऐसी भाव स्थिति। कहना तो बहुत कुछ है पर आलस की वजह से कहा नहीं जा रहा। ये सारे सारे
रे फा रे रे नी सा रे नी पा नी सा। ये हुआ मेघ। और इन्हीं स्वरों में जब आप मध्यम को न्यास करेंगे तो होगा मध्माद सारंग मध्यमादि सारंग। नी सारे सारे रे पमा रे रे मा पमा रे नी रे नी सा नी सारे रे मा पनी नी पावा मनी मारे नी मारे नी रे सा। ऐसी शरीर तथा मन की अवस्था जब हो तो झूले पर झूलते हुए हल्के हल्के झोंके से जो जरा सी हवा हिलेगी उससे कुछ आराम मिलेगा ज़रूर। श्रीनाथ जी के मंदिर में झूले पर राधा जी को मंद गति से झुलाया जाता है, हाथों से पंखा चलाकर आराम दिलाया जाता है। याद कीजिए इसी भाव को दर्शाता हुआ पंडित जसराज जी के मधुर स्वरों वाला मध्माद सारंग तथा उन्हीं की बंदिश जो मुझे बेहद पसंद है। रसिकनी राधा पलना झूले रसिकनी राधा पलना झूले रसिकनी राधा पलना झूले देख देख गोपी जना भूले देख देख गोपी जन भूले रसिकनी राधा पलना झूले। मध्य दोपहर के आज के आख्यान के अंत में बात करूंगी राग गौड़ सारंग की। ये राग है छोटे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों वाली दोपहर का एहसास दिलाने वाला। बच्चों को जब सख्त सूचना दी जा चुकी है कि बाहर वाली कड़ी धूप में खेलने नहीं जाना है छांव में, बल्कि घर ही के अंदर खेलना है, परंतु घर में सब बड़े बूढ़े दोपहर को सो रहे होते हैं इसलिए शोर भी नहीं करना है। बच्चों को तो क्या क्या धूप क्या छांव, आंगन में छांव में वे या तो पेड़ों पर चढ़ेंगे, कच्चे आम अमरूद या इमली खाएंगे, या फिर घर के बरामदे में बड़े से झूले पर मिल बैठकर अंताक्षरी खेलेंगे, गाने गाएंगे। कभी कभार घर के किसी अंधेरे ठंडे कोने में कैरम का बोर्ड लगेगा या फिर ताश के पत्ते बांटे जाएंगे। ऐसा है गौड़ सारंग, छोटी छोटी बातों का आनंद लूटने वाला, लुत्फ उठाने वाला, बच्चों का पसंदीदा आइसक्रीम नहीं बर्फ का गोला। नी सा गरे मा ग मा ग मा रे गरे मा ग पा रे सा म ग पा म प द नि सा प म ग रे ग धन 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 घरि सुहाई धन 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 घरि सुहाई आवत गोकुल कन्हाई आवत गोकुल कन्हाई अति आनंद जन पाई धन धन धन
धन धन धन धरि सुहाई, सोहत मुख चंद्र वदन, सोहत मुख चंद्र वदन, कानन कुबल चमकत, निरखत जन मोहत मन, अगम निगम छाई, धन 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 घरि सुहाई, धन धन। आज के लिए केवल इतना ही, पर एक बार फिर याद दिला दूं कि मैंने हर राग की एक तस्वीर खींचने का प्रयास किया है। ज़रूरी नहीं कि हर समय वो राग यही रूप लेकर आएगा, उसके अन्य कई रूप होंगे जिन्हें निहारने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। धन्यवाद।